सो थीटा वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? थीटा वन की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी एल वन अपॉन आर। ठीक है, एक बार फिर से इस बात को हम यहाँ देखेंगे। राइट, जो थीटा वन है हमारा, जो थोड़ा आगे तक जा रहा है, राइट, मैंने थोड़ा छोटा ही कर दिया, कोई बात नहीं। राइट, यू कैन सी कि थीटा वन आपके पास काफ़ी लंबा जा रहा है ना, बल्कि थीटा टू ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक जा रहा है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, थीटा वन हम उसको और बड़े वाले लेंगे। तो लेंथ ऑफ द आर्क, राइट, जो हमारे पास लेंथ ऑफ द आर्क है, और उसके बियॉन्ड जो हमारे पास रेडियस है, तो रेडियस तो हमारे पास इस केस में क्या है, कॉन्स्टेंट है, राइट, दैट इज कॉन्स्टेंट। हमें ये बात बड़े आसानी से समझ में आती है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ कोई दूसरा एंगल, राइट, लेट्स कंसिडर अ डिफरेंट एंगल। अगर हम यहाँ पे कोई बड़ा वाला एंगल लेते, जैसे कि यहाँ तुम्हारे पास थीटा वन तुमने कंसिडर किया, ऐसे ही तुम अगर थीटा टू लेते, राइट, ये थीटा वन है, थीटा टू, लेट्स से ये छोटा वाला एंगल है, दिस वन, ठीक है, दिस वन, दिस इज योर थीटा टू, जो ये तुम्हारा रेड वाला ये जो आर्क है ना, पेंडुलम कुछ ऐसे ही मूव करता है ना, ठीक है, तो ये जो एंगल सर्कुलेट हो रहा है, राइट, लेट्स कॉल इट, ये थीटा टू है, और ये जो लेंथ है तुम्हारे पास ये सी से डी है। ओके, लेट्स कॉल इट कि सी डी की लेंथ कितनी है, एल टू है, तो थीटा टू की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा टू की वैल्यू कितनी आएगी, एल टू अपॉन आर। ठीक है, और ये एल वन एल टू ये सब के सब क्या होंगे, रेडियंस में होंगे। ये जो रिलेशन है ना, तुम में से कुछ लोगों को शायद नया लग रहा होगा, बट मैं तुम्हें याद दिलाऊं, ये कुछ नया नहीं है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। तुम लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में कि किसी भी सर्कल में अगर मैं सेंट्रल एंगल देखता हूं, सेंट्रल एंगल, सेंट्रल एंगल, ये कंप्लीट एंगल कितना है, 360 डिग्री है ना। और तुमने अभी अभी पढ़ा है कि 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियंस। अगर मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट करूँ तो कितना हो जाएगा, 2π रेडियंस होगा, क्या ज़रूर होगा। तो अगर ये कंप्लीट एंगल मैं कंसिडर करूँगा तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी कि नहीं, इज इट इक्वल टू द सर्कमफेरेंस, यस इट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पे बेटा समझने की बात ये है कि जब मैं इसको रेडियन, बिकॉज ये एंगल हमें एल अपॉन आर से जो मिलता है वो हमेशा क्या होता है, दैट इज ऑलवेज इन रेडियंस। तो यहाँ पे अगर मेरे पास थीटा की वैल्यू 2π रेडियंस है, तो मेरे पास लेंथ ऑफ द आर कितना आ गया, सर्कमफेरेंस के इक्वल आ गया, और आर कितना हो गया, आर तो आर है, हर केस में आर तो आर है, इट इज द फिक्स रेडियस। ओके, तो यहाँ पे जो मेरे पास सर्कमफेरेंस की वैल्यू आती है, ये कितनी आती है, 2π आर। ये तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो ये जो तुम पढ़ते हो ना, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2π आर, इसका डेरिवेशन यहीं से निकल के आता है, इसका जेनेसिस यहीं से है। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड यू विल रिमेंबर इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, राइट। इससे आगे आप इसको ध्यान रखेंगे कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर क्या है, थीटा हमेशा यहाँ पे रेडियंस में होना चाहिए, इसको आप ध्यान रखेंगे। ऑल राइट, चलो इससे आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट इज दिस रेडियन, एक रेडियन क्या है, व्हाट इज वन रेडियन, आखिर ये वन रेडियन क्या होता है, व्हाट इज वन रेडियन। तो वन रेडियन अगर तुम बेसिक डेफिनेशन अभी जो तुमने लिखी थी, राइट, बेसिक डेफिनेशन क्या लिखी थी बच्चों, हमने बेसिक डेफिनेशन ये लिखी थी कि थीटा रेडियन में किसके बराबर होता है, एल अपॉन आर के बराबर होता है ना। तो कहीं ना कहीं वन रेडियन यहीं से निकल के आना चाहिए, राइट, ये वन कब होगा, आओ जरा इसको समझते हैं, राइट, लेट्स हैव अ लुक एट दिस। बुकिश डेफिनेशन क्या कहती है, वन रेडियन इज द मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो रेडियस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगा, वही जो एंगल सबटेंड करेगा, वही हमारा क्या होगा, वन रेडियन के बराबर होगा। तो ठीक है, ये बात तो हमें समझ में आती है, इसमें क्या बड़ी बात होगी, राइट, इसमें क्या बड़ी बात होगी। ये देखो, जैसे यहाँ हमारे पास ये एक लेंथ है, राइट, दिस इज योर लेंथ, है ना, ये तुम्हारे पास किसके बराबर लिया, ये देखो, ये आर्क जो इक्वल है किसके बराबर है, जब इसको फोल्ड कर रहे हैं तो ये यहाँ पे आ जा रहा है, लेकिन अदरवाइज ध्यान से देखो, ये रेडियस के बराबर है कि नहीं, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू व्हाट, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो जब कभी भी हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल, और इसी को उठा करके जब हम सर्कमफेरेंस पे ऐसे घुमा के रख देंगे, ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू आर है तो आर अपॉन आर क्या आएगा मेरे पास, वन रेडियन आएगा, यही तो कह रहे हैं। ठीक है, आर अपॉन आर क्या आएगा तुम्हारे पास, वन रेडियन आएगा। अब अभी अभी हमने क्या पढ़ा था बच्चों, अभी अभी हमने ये पढ़ा था कि पाई रेडियंस की वैल्यू 180 डिग्री होती है। द प्रॉब्लम लाइज इन वन थिंग कि हमने हर चीज को कैसे पढ़ रखा है, हमने हर चीज को डिग्रीज में पढ़ रखा है। तो जो लोग अभी 11th में आए हैं उनको ये एक बार को ये वाली चीज़ें थोड़ी सी ना डाइजेस्ट करते हुए थोड़ा टाइम लगता है कि अच्छा ये वन रेडियन ये क्या मतलब है ना। तो हम अगर डिग्री से रिलेट करेंगे तो उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री पढ़ा था ना तुमने, अगर आप इसको पाई को क्या लिख सकते हो, 3.14 लिख सकते हो क्या, 22/7 लिख सकते हो ना, विच इज़ ऑलमोस्ट 3.14 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो 3.14 रेडियन इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, है ना, 180 को किससे डिवाइड करेंगे, 3.14 से, तो आपके पास क्या वैल्यू मिलेगी, आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो ऑलमोस्ट
57 पॉइंट कह सकते हो आप 2 डिग्री के आसपास आएगा। ये जब तुम डिवाइड करोगे, तुम अभी क्लास के बाद इसको डिवाइड करके देखना, ठीक है, 180 अपॉन 3.14, तो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली कितना डिग्री आएगा, 57.2 डिग्री आएगा। अब इस बात को हम ज़्यादा आसानी से रिलेट कर पाते हैं बिकॉज हमने ये वाला एंगल काफ़ी देखा है, बट 1 रेडियन शायद पहली बार, 11th वाले बच्चे तो पहली बार ही देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग एंगल मेजर करते हैं। और थोड़ा सा इसको और एक स्टेप और आगे चल के देखते हैं कि आखिर ये है क्या, राइट। लेट्स हैव अ लुक एट दिस, राइट। अब देखो यहाँ मैंने लगा दिया प्रोटेक्टर, ठीक है। अब जैसे मैंने प्रोटेक्टर लगाया, जरा ये एंगल मेजर करना, ये तो तुम बचपन से यूज़ कर रहे हो ना, ये तुम्हारा 0 पे सेट है, ये कहाँ 60, थोड़ा सा नीचे आना, ध्यान से देखो, इट्स स्लाइटली लेस देन 60। अगर तुम बहुत माइन्यूटली देखोगे तो ये कितना आएगा, ये तुम्हारा 57.2 डिग्रीज के आसपास आएगा, ठीक है। सो दैट वे यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज 1 रेडियन। 1 रेडियन वो एंगल है जो किसी भी दुनिया के किसी भी सर्कल में एक्सटेंड होता है जब उस पर सेंट्रल एंगल, राइट, ये जो सेंट्रल एंगल है, ठीक है, ये जो हमारे पास सेंट्रल एंगल है थीटा, राइट, ये थीटा हमारे पास 1 रेडियन होगा। कब? जब ये लेंथ ऑफ द आर्क उस सर्कल के रेडियस के बराबर होगी। मैं उम्मीद करता हूँ इस बात को आप बहुत आसानी से याद रख पाओगे, ठीक है। सो दैट इज द वैल्यू, और इसकी अगर हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाता है, 57.2 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली। एग्जैक्ट तुम करके देख लेना, ठीक है। ऑल राइट, ग्रेट, ऑसम, वेरी गुड, लेट्स मूव ऑन नाउ। अब इस पर एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था, राइट, इट वॉज आज इन जेई मेन एग्जाम, जिसमें आपसे बोला गया था कि बताइए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये वाला एंगल कितना है, ऑब्वियसली बात है 90 डिग्री। एक एंगल तुम्हारा एक्स ग्रेड्स है, ग्रेड्स तुमने अभी भी पढ़ा है ना, मैंने बोला था तुम्हें कि जो ग्रेड्स हैं ये तुम्हारे CBSE ISC के सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आरडी शर्मा में दे रखा है बिकॉज वो लोग थोड़ा बियॉन्ड भी जाते हैं, है ना, लेकिन आपको कॉम्पिटिशन में मिलेगा, NDA में भी मिलेगा और भी दूसरे एग्जाम्स में मिलेगा, UPSC के एग्जाम्स में भी आ जाते हैं ग्रेड्स पे क्वेश्चन, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं तुम्हारे होमवर्क के लिए रख दे रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर मैं तुम्हें कल डिस्कस करके दूंगा, आप इसको ट्राई करोगे, दिस इज़ योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। इसमें तुम्हें एक्स की वैल्यू बतानी है, हिंट दे देता हूँ, राइट, मेरे साथ में जो बच्चा बैठा है ये बोलता है सर इसमें करना क्या है, तो चलो भाई देख लो, मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ। इसमें तुम्हारे पास ये राइट एंगल है, अगर या तो देखो किसी भी चीज़ को जब तुम्हें कैलकुलेट करना है तो काम क्या करना होता है, उसको एक यूनिट में लेके आते हैं। अगर यहाँ पे ग्रेड्स है, यहाँ पे डिग्री है, यहाँ पे रेडियंस है, तो सबको किसी एक में लेके आओ, या तो डिग्री में या फिर ग्रेड्स में या फिर रेडियंस में, मर्जी है तुम्हारी। जैसे मैं इसको डिग्री में रखना चाहूँगा, डिग्री में रखना चाहूँगा, तो कितना होगा 90 डिग्री, ये ऑलरेडी एक्स डिग्री है ना, बस ये एक्स ग्रेड्स को हमने डिग्री में लेके आना है। तो ग्रेड को डिग्री में लाने के लिए क्या करेंगे यार, पढ़ा था ना अभी हमने, क्या पढ़ा था कि पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 100 ग्रेड्स। इससे आगे मैं नहीं बताऊंगा, इससे आगे तुम करना, हम कल इसको डिस्कस करेंगे, दैट इज योर होमवर्क क्वेश्चन। 40, 50, ना ना गलत है, ऐसे नहीं करना है सर्वेश, राइट, 40, 50 इज रॉन्ग। एक्स की एग्जैक्ट एक वैल्यू आएगी, ठीक है, इट विल बी एग्जैक्टली 1 वैल्यू। ऑल राइट, कल डिस्कस करेंगे, ये कल का तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, तुम ट्राई करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो है मैं हर चीज़ तुम्हें होमवर्क नहीं दूंगा, होमवर्क मैं दूंगा और तुम्हें करके आना है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। 45 प्रत्यांश इज रॉन्ग, डोंट वरी, गेसेस मत करो, आराम से रिलैक्स होकर जितनी बातें मैं बता रहा हूँ अगर तुमने उसको इंप्लीमेंट कर लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। सो डोंट वरी, डोंट मेक गेसेस, रिलैक्स होकर के आप उसको ट्राई कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। देखो ये एक्सरसाइज 4.1 आपकी आरडी शर्मा बुक से है, आइए कुछ क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, राइट, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, तो बहुत इजी क्वेश्चंस दे रखे हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे ये -3 रेडियंस दे रखा है, -3 रेडियंस, इससे तो मैं क्या समझ में आता है, मैं जब भी माइनस साइन देखता हूँ, राइट, अब यहाँ पे जिनको एंगल्स रेडियन वगैरह में परेशानी हो रही थी, इट्स टाइम दैट उनको ध्यान देना चाहिए ज़्यादा, -3 देखता हूँ तो मुझे क्या समझ में आता है, मुझे ये समझ में आता है कि -3 का मतलब है, माइनस एंगल का मतलब है क्लॉकवाइज घूमना, क्लॉकवाइज यानी कैसे, जैसे घड़ी घूमती है क्लॉकवाइज ऐसे, ठीक है। तो -3 मतलब ये -3 से मूव करेगा, हमें करना क्या है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग रेडियन मेजर्स, वंडरफुल, इन्होंने क्या बोला है, यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, बहुत बढ़िया। हमें क्या मालूम है बच्चों, हमें ये मालूम है कि 22/7 रेडियंस यानी कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू कितना डिग्री, इज इक्वल टू 180 डिग्री, मालूम है क्या, यस। सो व्हाट इज 1 रेडियन, 1 रेडियन विल बी 180 × 7/22, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है, 1 रेडियन, राइट, मुझे यहाँ पे
रेडियन लिखना चाहिए था, डिग्री नहीं, दैट शुड बी सी, ओके, वन रेडियन. मुझे क्या चाहिए, मुझे माइनस थ्री रेडियंस चाहिए, ओके, नो प्रॉब्लम. तो मैं माइनस थ्री से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूंगा. ये जो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो मेरे पास वैल्यू आएगी, ये मेरे पास क्या होगा, दैट विल बी द आंसर. अप्रॉक्सीमेटली कितना आंसर आना चाहिए, आओ जरा करके देखते हैं. या चलो आओ एक क्वेश्चन कम्प्लीटली कर लेते हैं, राइट, लेट्स डू इट कम्प्लीटली. आइए इसको हम लोग कम्प्लीट कर लेते हैं. मेरा कैलकुलेशन करने का पहले दिल नहीं कर रहा था, फिर मुझे लगा चलो यार कर देना चाहिए, राइट. इतना ज़्यादा भी लेजीनेस ठीक नहीं है. तो माइनस साइन तो भाई हो जाएगी. आओ ज़रा देखते हैं कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है. तो यहाँ मेरे पास 180 है, राइट, इनटू 7 3 21 है, और डिवाइड बाई 22 करना है, ठीक है. अब मैं इसको कैलकुलेट कैसे करूँ, मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करूँगा कि 180 इंटू 20 है ना. कैलकुलेशन की थोड़ी टेक्निक है, आप भी इसको प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा. 180 इंटू 20 इज 3600, कितना है 3600, और 180 इंटू 1 इज सर्टेनली 180, ठीक है. तुम कैलकुलेशन कैसे करते हो वो तुम्हें पता है, मैं तो कैलकुलेशन ऐसे ही करता हूँ. यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 3780 विद नेगेटिव साइन, 3780 विद नेगेटिव साइन. किससे डिवाइड करना है, 22 से. क्या मैं इसको 2 से कैंसिल कर दूं, व्हाई नॉट, ये 11 से जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 1 से गया 17 यानी कि 8 9, एंड देन फाइनली यू हैव 0. सो 1890 अपॉन 11, दिस इज योर एंगल. अभी तक ये तुम्हारे पास एंगल निकल के आया. मैं हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग तो डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं ना. मैंने बोला फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है. तो आओ चलो हम फाइनल आंसर तक पहुंचना चाहेंगे. लेट्स सी, फाइनल आंसर तक पहुंचना चाहते हैं. तो 1890 को मैंने 11 से डिवाइड करना है, ठीक है. बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, बट कोई बात नहीं, हम करेंगे, राइट. यहाँ मैंने देखा कितना हो गया, दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 779 आया, 7 से किया मैंने, 77 हो गया. देन यू हैव 20, जिसको मैं किससे डिवाइड कर दूँ, इसको मैं 1 से डिवाइड करूँगा, और मेरे पास एक वैल्यू आएगी. आइए ज़रा हम इसको देखते हैं, लेट्स सी, लेट अस सी. यहाँ मैंने 1 से डिवाइड किया, यहाँ मेरे पास 11 आ गया, एंड दिस इज 9. इसके बाद क्या करते हैं, हम लोग डेसिमल लगाते हैं, है ना, डेसिमल लगाते हैं. तुम चाहो तो डेसिमल ना भी लगाओ, इसको 9/11 भी लिख सकते हो, ठीक है. मतलब मैंने इसको अभी तक जो कन्वर्ट किया, मैं इसका आंसर क्या लिखूंगा, मैं इसका आंसर लिखूंगा 171 नेगेटिव में, ठीक है. माइनस साइन को ध्यान रखना है, बिकॉज पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव का मतलब हो गया कि वो हमारा क्या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ना. नेगेटिव का मतलब क्लॉकवाइज, और पॉजिटिव का मतलब एंटी क्लॉकवाइज. सो 171 एंड 9/11 डिग्रीज. अब हमने अभी अभी कुछ सीखा था कि कभी भी जब हमारे पास इस तरीके की वैल्यू आती है तो हम उसको मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इट्स टाइम जब हम इन चीज़ों को देखें कि मिनट सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो 9/11 को बेटा अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो क्या करूँगा, 60 से मल्टीप्लाई करूँगा, है ना. देखते हैं ज़रा कितना आता है. तो ये मेरे पास 96540 आया, डिवाइड बाई 11, ठीक है. देखो ज़रा भाई कैलकुलेशन करके कितना आ रहा है, पूरी कैलकुलेशन करना चाहूँगा मैं, कंप्लीट कैलकुलेशन. कितने से जाएगा, 4 से जाएगा, ठीक है, 44, 10 आ गया. फिर तुम्हारे पास कितना आ गया, 100 आ गया. किससे जाएगा बताओ, 9 से जाएगा, 99. कितना आया रिमाइंडर, 1. यानी कि मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 49 मिनट्स, राइट. डिग्री को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मिनट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, ओके, 49 मिनट्स. और इसको क्या बोलूंगा, रिमाइंडर 1 है, यानी कि 1/11 मिनट्स. अब क्या इस 1/11 का कुछ कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हैं, राइट. मिनट्स में एक डंडा होता है. 1/11 को अगर मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसको फिर से किस में डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से. जो तुमने पीछे पढ़ा था, इट्स टाइम टू यूटिलाइज दैट, ओके. तो जब तुमने इसको 60 से किया तो कितना आ गया, हालांकि ये बहुत छोटा एंगल होगा, राइट. एक डिग्री सोचो कितना छोटा एंगल होता है, एक डिग्री जब किसी बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है. तो एक डिग्री इतना छोटा है, तुम उसको ऑलरेडी इतना एक्यूरेट कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है. तो कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ जब मैं ये कैलकुलेशन करूँगा तो ये ऑलमोस्ट 5 लिख लूँ, 55, है ना. तो मैं इसका फाइनल आंसर क्या दूंगा, हाउ शुड आई राइट द फाइनल आंसर, आई वुड से इट इज -171 डिग्रीज. कितना मिनट्स, 49 मिनट्स, एंड कितना डिग्री, कितना सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स. आई विल लीव दिस एज द फाइनल आंसर. इस क्वेश्चन का मैं ये फाइनल आंसर रखना चाहूँगा. वन का कौन सा पार्ट है, ये वन का फोर्थ पार्ट है. आओ जरा आंसर चेक करते हैं, लेट्स चेक. वन का फोर्थ, वेयर इज वन का फोर्थ, यस दिस वन. 171 डिग्री एंड 49 मिनट्स एंड 5 सेकंड्स. क्या हमारा एग्जैक्टली इतना ही था, होना चाहिए यार, काफ़ी मेहनत किया था हमने, मैंने समझना चाहिए, राइट. सो दैट्स वंडरफुल, बहुत बढ़िया.
आयुष ने बोला 9/19 है ना, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आंसर तुम्हें किस फॉर्म में रखना है, राइट? आयुष, तुमने आंसर दिया वो गलत नहीं है, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल सही है 900/19, लेकिन आप उसको अल्टीमेटली जब कन्वर्ट करेंगे तो इस तरीके से करेंगे, ठीक है? अलवीरा, यू आर सेइंग 4.7, व्हाट इज दैट? ये क्या इसमें कुछ कुछ, इज इट अ डिफरेंट क्वेश्चन? ओके, नो टेंशन। तो आइए हम अब यहां से वैल्यू ऑफ एक्स, अच्छा अच्छा तुमने वैल्यू ऑफ एक्स निकाली है, चलो वो कल डिस्कस करेंगे, दैट इज योर होमवर्क, ओके? कल डिस्कस करेंगे, डोंट वरी डोंट वरी। आओ देखो कुछ क्वेश्चंस और लेंगे, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे, टाइम काफ़ी हो गया, राइट? टाइम का पता नहीं लगता मुझे, ऐसे ही होता चला जाता है। तो आज की क्लास में हम क्या सीखने जा रहे थे, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मून, या फिर व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ मून, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ सन, अगर हमें डिस्टेंस पता है, एंगल पता है, तो आओ इस तरह के क्वेश्चन हम करना चाहेंगे, ठीक है? मैं एज यूजुअल, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, मैं होमवर्क दूंगा, टेस्ट भी लूंगा, सारी चीज़ें सिस्टमैटिक चलेंगी, और तुम अगर उसको फॉलो कर सकते हो तभी तुम्हारे लिए क्लासेस एक्सट्रीमली यूजफुल और पावरफुल हैं। बट अगर तुम इन सबको फॉलो नहीं कर सकते हो तो क्लासेस सर्टेनली आप कोप अप करने में थोड़ी परेशानी हो जाएगी, है ना, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? चलो देखो, जैसे इनमें से एक क्वेश्चन है, ये सब आर डी शर्मा बुक से ही क्वेश्चन हैं, राइट? क्लास 11th की जो आर डी शर्मा बुक है, एक्सरसाइज 4.1 के सारे क्वेश्चन हैं, राइट? दिस इज अ क्वेश्चन ऑन मून, राइट, ऑन अ फुल मून डे, और एक क्वेश्चन तुम्हारे पास सन का है। तो आओ ये सन वाला क्वेश्चन करते हैं, मून तो अपने पास की चीज है, थोड़ी दूर वाली चीज को देखते हैं कि आखिर ये है क्या। लेट्स हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन, हाउ कैन वी डील विद दिस, लेट्स सी। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन इन किलोमीटर, सपोजिंग इट्स ऑब्टेन्स एन एंगल ऑफ 32 मिनट्स। डू यू नो 32 मिनट्स हाउ बिग इज दैट एंगल? 1 डिग्री इतना छोटा सा एंगल होता है, इतना सा एंगल होता है यार, 32 मिनट्स उससे भी छोटा होगा ना, राइट? अभी देखते हैं कैसे करेंगे, बहुत बढ़िया सा सवाल मिला है। एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर, कोई व्यक्ति जब सन को देख रहा है, राइट, मान लो ये तुम्हारा सन है, बहुत दूर खड़ा हुआ इंसान, ऑब्वियसली बात है अर्थ से ही देख रहा होगा, अभी हम मार्स पे तो है नहीं, ठीक है? लेट्स से ये छोटा सा गोला अपने पास अर्थ है और यहाँ से ये ऑब्जर्व कर रहा है सन को, तो क्या बता रहे हैं क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये बता रहे हैं कि जब वो सन को ऑब्जर्व कर रहा है इस तरीके से, राइट, तो ये एंगल कितना है, ये जो एंगल है दिस इज 32 मिनट्स, राइट? आपको पता लग चुका है मिनट्स क्या है, यू नो दैट, ओके? गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ द सन इज दिस, ये जो डिस्टेंस है ये कितना दे रखा है बेटा, 91×10^6 किलोमीटर, ये डिस्टेंस दे रखा है। और क्या बोला गया हमसे, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन, हमें सन का डायमीटर निकालना है। सन पे जाके अगर सन का डायमीटर निकालेंगे तो जल जाएंगे। मैथमेटिक्स और ट्रिगोनोमेट्री हमें इतनी हेल्प करती है कि हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, वो बात और है कि ये अप्रॉक्सीमेट होता है, दिस इज द अप्रॉक्सीमेट डायमीटर, राइट, ये एग्जैक्ट नहीं होता है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक ये कैलकुलेटेबल होता है, और आप वहाँ ऑलमोस्ट आप जो वैल्यू होती है वो नियरेस्ट टू दी करेक्ट वैल्यू ही होती है, ठीक है? और इसको देखेंगे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट्स सी, परहैप्स दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे एंड आफ्टर दिस विल मीट टुमारो, ओके? सो before I finish the session, I'll certainly go for a question answer round. In case you have anything, you can ask that. Okay? तो चलो पहले ये देखते हैं क्या है ये. Let's calculate this. तो देखो, तुमने अभी कुछ पढ़ा था. अगर मैं ये जो angle है, सोच के देखो, right? ये तुम्हारा एक बड़ा सा circle होगा, बहुत बड़ा सा circle होगा, right? ये तुम्हारा circle बहुत बड़ा होगा, ठीक है? इतना बड़ा कि मैं इसको यहाँ पे इस diagram में draw भी नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? बहुत बड़ा सा एक circle draw कर लो, right? You have a big circle. और यहाँ पे तुमने ये वाला एंगल कितना बनाया, 32 मिनट्स का. तो तुमने क्या पढ़ा था, L बाई R, ये तुम्हारा L था. L यहाँ पे क्या होगा बच्चों, रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? L क्या होगा, L विल बी द डायमीटर जो हमें चाहिए, और R क्या होगा, R इज़ द डिस्टेंस जो हमें यहाँ पे दे रखा है. कितना दे रखा है, 91×10^6. करना क्या पड़ेगा, मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर होता है, यहाँ पे एंगल किस में होता है, रेडियंस में होता है. प्रॉब्लम क्या है, डिग्री में दे रखा है बल्कि मिनट में दे रखा है. तो क्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? नहीं यार, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान है. देखो, तुम्हें मालूम है 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना मिनट, 60 मिनट, जानते हो ना? तो भाई 1 मिनट क्या 1/60 डिग्री नहीं होगा? अब डिवाइड करेंगे, जब बड़े में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो 32 मिनट्स कितना हो जाएगा, 32 से मल्टीप्लाई कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है? तो आपके पास ये वैल्यू किस में आ गई, अब डिग्री में आ गई. इसको तुम अगर चाहो तो ऊपर नीचे 4 से कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल करोगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे शायद 15 हो जाएगा. कितना है ये, 32
मिनट्स इज इक्वल टू व्हाट 8/15 डिग्री, बट अब हमें क्या चाहिए, हमें तो रेडियन चाहिए, तो कोई बात नहीं, वी आर वेरी क्लोज. हाउ कम वी आर क्लोज, वी नो दैट 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस, डोंट वी नो दैट, वी डू नो. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 डिग्री, इट इज पाई अपॉन 180 रेडियंस, ठीक है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 8/15, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 8/15 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो ना, चक्कर क्या है, राइट, गो फॉर द मल्टीप्लिकेशन, 8/15, ठीक है. क्या इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं बेटा, आप पाई को फिलहाल चाहो तो पाई रहने दो, बाद में आप वैल्यू पुट करके रख लेना, 8 से क्या कैंसिल हो जाएगा मेरे ख्याल से, हाँ, तो 4 जा कैंसिल किया मैंने, इसको 4 से करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 से किया इतना 45 आ रहा है मेरे ख्याल से, राइट, 45 × 15, ठीक है. तो तुम्हारा एंगल जो आ गया वो कितना आया, 2π/45 × 15 रेडियंस. इट इज ओनली द कैलकुलेशन दैट माइट pose a problem for you or a challenge as a problem as a challenge to you, but then the concept should be easy, right? You are able to calculate the diameter of sun, kitna aayega batao, yahan tumne theta ki value ab kya rakh deni hai, tumne rakhni hai 2π, pi ki value tum main suggest karunga 22/7 rakh dena, theek hai, 22/7, okay, yahan pe maine rakha 45 aur yahan pe rakha 15. L is what we are looking for, aur r ki value kya hame malum hai, yes, 91 × 10^6. यहां से जो तुम्हारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी, दैट वुड गिव यू द आंसर. कैन आई लीव दिस कैलकुलेशन टू यू, क्या आप ये कैलकुलेशन कर पाओगे, राइट? तो मैं ये कैलकुलेशन तुम्हारे लिए रख दे रहा हूं, ठीक है, क्लास नोट्स में ये अवेलेबल होंगे आपके पास और इसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है. तो आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क होगा एक वो एक्स वाली वैल्यू, ये जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन दिया था, यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है. एंड देन आरडी शर्मा बुक से ये क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे, कल की क्लास में हम पहले डाउट्स लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है. सो दैट विल बी